हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम बात करेंगे कि मैंने यहाँ पे जो फ़ोन लिया आईफोन 13 प्रो, ये है गाइस हमारा आईफोन 13 प्रो जो मैंने अभी ऑर्डर किया था 2-3 दिन पहले। ठीक है, ये कलर मैंने लिया है, इसका ग्रीन कलर है, अभी लॉन्च हुआ था। एक बार मैंने वैसे अनबॉक्सिंग कर लिया, मैं आपके लिए दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका है कलर। ठीक है, अभी ही लॉन्च हुआ था ये कलर, और इसमें स्टिकर्स हैं, डाटा केबल मैंने अभी बैग में है मेरे। ठीक है, अब इसे ऑन करते हैं एक बार। ये फ़ोन अपना ऑन हो चुका है। ठीक है, बाकी मैंने इसे भर लिया था वैसे सारा कुछ इसे में, और मैंने स्टेटस डाला था, सबने वो स्टेटस देखा और सब कह रहे हैं आईफोन 13 प्रो ले लिया भाई। ठीक है, कैसे लिया, कौन सा प्लान है, लाइक बहुत पैसे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फ़ोन लेना बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे सिम तो मैंने ले लिया था 2-3 हफ्ता पहले। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या होता है ना कि अब सिम के साथ आप फ़ोन ले सकते हो। ठीक है, सिम के साथ जो फ़ोन मिलता है ना वो बढ़िया प्लान मिल जाता है, यहाँ पे उसे प्लान बोलते हैं। लाइक सिम के साथ आपने प्लान ले लिया। अब जो मैंने सिम लिया वो लिया टेलस का। टेलस यहाँ पे एक लाइक कंपनी है, जैसे यहाँ पे इंडिया में अपने जियो, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं, एयरटेल, ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, टेलस, रॉजर्स, बेल, ठीक है, फ्रीडम। और मैंने लिया टेलस का, और इसका जो मुझे डाटा मिला है वो मिला है 25 GB डाटा $40 में, जिसमें मुझे 25 GB डाटा के साथ अनलिमिटेड कनाडा कॉल्स, टेक्स्ट, ठीक है, पर इंडिया में मिनट्स 1000 मिनट्स मिलते हैं, बाकी कंपनीज के मैंने नहीं लिए। ठीक है, बिकॉज घर में वाईफाई लगा हुआ है तो हम व्हाट्सएप कॉल ही हर जगह कर लेते हैं। और मैंने आईफोन 13 प्रो लिया है। ठीक है, आईफोन 13 प्रो की जो यहाँ पे मैंने लिया है इसको लीज़ पे, ठीक है, उसकी लीज़ आई है $25 पर मंथ। ठीक है, फाइनेंस नहीं करवाया हम, दो ऑप्शन होते हैं, लीज़ या फाइनेंस। जो मैंने लिया वो लीज़ पे लिया है। अब लीज़ पे इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे लीज़ एग्रीमेंट होता है 2 साल का फ़ोन का। आपको 2 साल बाद अगर आप लीज़ पे ले रहे हो तो 2 साल बाद फ़ोन कर दो रिटर्न, और आप या तो फ़ोन अगर आपने रखना है तो आप जो उसकी बाकी की पेमेंट है $400, ठीक है, वो कर दो और फ़ोन रख लो। पर अगर आपने लाइक फ़ोन नहीं दे रखना, ठीक है, फ़ोन वापस करना है, तो आप नया फ़ोन ले सकते हो वैसे उसकी जगह पे, कोई भी लेटेस्ट जो नया फ़ोन आपको लेना है। इसलिए मैंने वो लिया, 13 लीज पे लिया, कि मेरी एक बार मंथली जो EMI आएगी वो कम आएगी। ठीक है, जैसे $40 का मेरा प्लान है, $25 मेरा फ़ोन का हो गया, दोनों मिला के हो गए $65, आफ्टर टैक्सेस बन जाते हैं $70। ठीक है, पर अगर मैं इसे फाइनेंस करवाता तो मुझे ये पड़ता अराउंड समवेयर $85 या $90 आफ्टर टैक्सेस। सो इसलिए मैंने की गया, एक बार ही मंथली मेरा EMI कम आएगा, फ़ोन तो मुझे लेना ही था, और आईफोन 13 प्रो मैंने इसलिए लिया। बहुत सारे लोगों को लगा 14 आने वाला है कि बहुत न्यूज़ आ रही है, लाइक सितंबर में लॉन्च हो जाना है 14 का, 14 क्यों नहीं लिया, उसके लिए वेट क्यों नहीं करी। एक्चुअली जब नया कोई भी फ़ोन आता है ना तो डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद उसका प्लान भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लाइक $25 में लाइक 14 तो बिल्कुल नहीं आएगा जैसे 13 प्रो मैंने लिया, वो तो बहुत महंगा होने वाला है। अभी जब आता ही फ़ोन कोई लॉन्च हो, अभी आज कोई फ़ोन आए और आते ही आप ले लो तो काफ़ी महंगा मिलता है। ठीक है, इसलिए मैंने 13 प्रो लिया। 13 प्रो भी बहुत बढ़िया फ़ोन है, फ़ोन मुझे चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे मेरे पास इंडिया का कोई रियलमी का फ़ोन था तो उसमें नहीं नेटवर्क आ रहा था, इसलिए मैंने 13 प्रो चूज़ किया। ठीक है, घर में भी बहुत यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेरे मामा के पास आया। ठीक है, बढ़िया फ़ोन है, मुझे कैमरा क्लैरिटी बहुत बढ़िया लगती है 13 प्रो की। 14 जब ले लेंगे, अगली बार चेंज करेंगे तो 14 ले लेंगे। ठीक है, बस ये प्लान था मेरा, बाकी और भी प्लान्स मैंने पता किए थे, लाइक फ्रीडम, रॉजर्स, बेल, सबके ऑलमोस्ट 50 प्लस थे, लाइक $50-$55, वो भी 20 GB डाटा दे रहे थे, वो 55 या 50 के साथ भी वो 20 GB डाटा दे रहे थे। टेलस का मुझे इसलिए सस्ता पड़ गया बिकॉज मेरे मामू के बिजनेस लाइन में मैंने इसे ऐड करवा लिया, वो ऑलरेडी टेलस के मेंबर थे, वो यूज़ कर रहे थे टेलस का नंबर, इसलिए उन्होंने मेरा नंबर ऐड करवा लिया, मुझे सही प्लान मिल गया $40 में 25 GB डाटा। अगर आपका भी कोई मेंबर कनाडा में है, आपका फ्रेंड है, कोई आपके साथ ऐड करवाना चाहे तो आप उसके साथ ऐड करवा सकते हो, अगर ऑलरेडी उस कंपनी का मेंबर है, ठीक है, यूज़ कर रहा है उसके कंपनी के सिम को, तो आपको ऑफर मिल जाएगी बढ़िया को, या पता जरूर करें। हाँ, कोई नया स्टूडेंट आया है,
कोई नया यू नो इमिग्रेंट आया है तो वो तो फिर जो बढ़िया प्लान है वेट कर ले, वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके बाय।